So, after waiting for 4 years, Motorola has finally launched Moto Razr, and as you know, it's a foldable phone. आजकल जमाना है फोल्डिंग स्क्रीन्स का. सैमसंग ने लॉन्च किया ऐसे फोल्ड होने वाला फ़ोन, एंड आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली फोल्ड होने वाला फ़ोन. इधर मोटोरोला ने वर्टिकली फोल्ड होने वाला फ़ोन लॉन्च किया है, एंड ये इवेंट काफ़ी लो की था, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था. जैसे एप्पल इवेंट का लोगों को पहले से ही पता होता है, और ये 13 नवंबर को लॉन्च हुआ है. अभी ये किसी के पास आया नहीं है फ़ोन, जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो सब इवेंट में जाके ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसका असली रिव्यू तभी पता चल पाएगा जब ये फ़ोन हाथ में आ पाएगा. तो इस फ़ोन को देख के तो लग रहा है कि मोटोरोला ने काफ़ी अच्छा काम किया है, एंड मार्केट में फोल्डेबल फ़ोन अभी काफ़ी कम है, लेकिन अभी ये स्टेज वन के फ़ोन हैं. देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं. तो अब बात करते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की. इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर है, जो कि कोई टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर नहीं है आज की डेट में. रैम 6GB है, स्टोरेज इसमें आपको 128GB मिलेगी. डिस्प्ले इंटरनल वाली जो है वो है आपकी 21:9, 6.2 इंच पी ओलेड डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 2142x876. एक्सटर्नल डिस्प्ले इसकी 2.7 इंच की ओलेड डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 600x800 है. इसमें जो बैटरी दी है वो 2510 mAh, यानी कि 2510 mAh की बैटरी दी है, जो कि आज के हिसाब से काफ़ी लो है. आजकल के फ़ोन जहाँ पर इसका मेन कैमरा 16 MP है एंड विद f1.7 अपर्चर, एंड इंटरनल कैमरा इसका 5 MP है विद f2.2 अपर्चर. इस फ़ोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये फोल्ड हो जाता है, और वो भी वर्टिकली फोल्ड. जब आप इसको ओपन करोगे तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल फ़ोन की तरह आपको लगेगा, जैसे आपका गैलेक्सी S9 हो गया या मोटोरोला का कोई भी फ़ोन. लेकिन जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इसका साइज़ बिल्कुल आधा हो जाएगा, एंड इसके फ्रंट साइड में भी एक डिस्प्ले है. इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो अभी भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, कोई इन डिस्प्ले सेंसर नहीं है, क्योंकि इसमें फोल्डेबल स्क्रीन है, एंड वो भी काफ़ी पतली. जब आप इस फ़ोन को पूरा ओपन करते हो तो ये बहुत ही स्लिम फ़ोन लगता है देखने में. इसमें सिर्फ एक जो डिज़ाइन फॉल्ट मुझे लगा, एंड फॉल्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि उनको फोल्डेबल स्क्रीन देनी थी, इसकी जो चिन है वो काफ़ी हैवी है, मोटी है, क्योंकि उसके सारे प्रोसेसर वगैरह एंड जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं वो उसकी चिन में है. इसकी जो प्राइसिंग है आप सुनकर शॉक्ड हो जाओगे, ये अराउंड $1200 के समथिंग लॉन्च हुआ है, जो कि आईफोन से भी काफ़ी महंगा है. एंड जहाँ पे एप्पल अपने आईफोन्स के रेट कम करने की सोच रहा है, वहाँ पर मोटोरोला इसको इतने हाई रेंज पे लेके आया है. तो ये चीज़ काफ़ी देखने लायक होगी कि ये फ़ोन कितना बिकता है, कितना परफॉर्म करता है. एंड जैसे कि सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन में एक फॉल्ट था कि उसकी डिस्प्ले काफ़ी नाजुक थी, जो टूट गई थी, एंड काफ़ी लोगों की ये शिकायत थी कि उसमें डस्ट आ गई थी जहाँ पर उसका हिंज होता है. तो सेम चीज़ मोटोरोला के साथ भी है, उनका फ़ोन भी फोल्डेबल है, साथ में हिंज भी है, ऑब्वियसली डस्ट जाएगी. मोटोरोला ये बोल रहा है कि ये स्प्लैश प्रूफ है, लेकिन अभी कोई इसकी IP रेटिंग नहीं आई है, तो मैं सजेस्ट करूँगा पानी में बिल्कुल मत डालना इसको. इस फ़ोन में USB Type-C का सपोर्ट है, एंड इसका जो स्पीकर है वो बॉटम में एक ही है, यानी कि कोई इसमें डुअल स्पीकर नहीं है, तो आपको एक ही तरफ से आवाज़ आएगी. जिसमें दिक्कत ये है, अगर आप फ़ोन को ऐसे होल्ड कर रहे हो और आपकी ये वाली फिंगर फ़ोन के नीचे है तो आपको उसके वॉल्यूम में डिफरेंस आप दिखेगा. बाकी इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की क्या क्वालिटी है, ये तभी पता चल पाएगा जब फ़ोन हाथ में आएगा.